What name you choose? अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर कमर बात कर रहा हूँ इजिप्ट कैरो से। यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे अपने जमाने के फिरौन, बड़े बड़े बादशाह यहाँ पे खड़े होते थे, और मैं यहाँ पे हूँ। इस जगह का नाम है सकारा। सकारा का मतलब है सिमेट्री, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड। दोस्तों ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये जगह सारी, ये उस बादशाह ने गसर जिसका नाम था उसने बनाई थी, और यहाँ पे वो खड़े होकर अपनी राय के सामने यहाँ पे सारे उसके इंटेलेक्चुअल, उसके वजीर, उसके मुशीर और उसके सारे लोग यहाँ पे आया करते थे। और यहाँ पर ये इस जगह पे यहाँ पे बुल फाइटिंग्स भी हुआ करती थी, और यहाँ पे वो बैठ के लोगों को देखा करता था, यहाँ पे उसके सामने मुकाबले होते थे। ये ओरिजिनल जगह है जो आज से 5000 साल पहले यहाँ पर मौजूद थी, और आज यहाँ पे इस हालत में मौजूद है। और आप लोग खुश नसीब है कि आप यहाँ पर आज उस जगह को देख रहे हैं जो आपने फिल्मों में देखी है। ख्वातीन हज़रात, ये सामने जो तीन मूर्तियां नज़र आ रही हैं छोटे पत्थरों की, वो नज़र आ रही हैं, ये दरअसल वो गॉड्स हैं जहाँ पर, जिनके सामने यहाँ पर इंसानों को ज़बह किया जाता था, या जिनके सामने यहाँ पर कुर्बानी दी जाती थी। और उसके बाद ये जो आगे सामने वो देख रहे हैं जगह, यहाँ पर बिल्कुल बुल फाइटिंग हुआ करती थी। यहाँ पर लोग आपस में बुल्स की फाइटिंग किया करते थे, और यहाँ पर बादशाह खड़ा होकर यहाँ पे लोगों के साथ वो अपने मुज़ाकरात करता था, लोगों को हाथ लगाता था। और यहाँ पे ये करने के बाद बादशाह को जब खुश करते थे लोग, तो इसका मतलब ये होता था कि बादशाह अलगसर जो था, अलजसर जिसको कहते हैं, वो 30 साल के लिए दोबारा मुंतखब हो जाता था कि वो फिर अपनी ज़िंदगी में 30 साल जो है वो फिर बादशाहत करेगा। और ये वो एक तारीखी जगह है जो आज से 5000 साल पहले मौजूद थी। और जो सामने वो आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे इसको, ये पहला पैरामिड है, ये दुनिया का पहला पैरामिड है। और इसको जब बनाया गया था तो ये 500 के करीब जो है वो फीट हाई है, और ये बनाया था तो जस बादशाह ने बनाया था। और इसका मतलब ये था बनाने का कि ये अपने आप को महफूज कर देगा। आज भी इसके अंदर उनकी कब्र मौजूद है, उसकी टॉम है, और उसके बाद उसके नवादरात सारे, उसके सारे खजाने उसके अंदर मौजूद हैं। लगता ये है कि पिछले कई सालों में यहाँ से ये ख़जाने निकाल लिए गए हैं, लेकिन अब ये यहाँ पे इसकी जो है पैरामिड्स की, ये दुनिया का फर्स्ट पैरामिड है। अलगसर जो है ये दुनिया का पहला पैरामिड है, और ये अल्लाह ताला ने हमको अपनी इनायात में से एक इनायत ये की है कि हमको मौका दिया है कि हम यहाँ पे आए हैं। और ये जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये एक तारीखी मकान है, तारीखी मैदान है। यहाँ पे जो है वो सारे मुकाबले हुआ करते थे, बादशाह लोगों से अपने हल्फ लिया करता था, और बादशाह यहाँ पे सबको वो यहाँ पे पसंद फरमाता था, और लोगों की यहाँ पे जान ली जाती थी। ये सामने जो आपको नजर आ रहे हैं, तो ये अगर आप ये देख सकें तो ये यहाँ पे वो जगह है जहाँ पर यहाँ पे इन मूर्तियों के सामने ये गॉड्स कहलाते थे, इनके सामने यहाँ पे कुर्बानी दी जाती थी लोगों की, और यहाँ पे उनको कुर्बान किया जाता था। ये तीन मूर्तियाँ आज भी मौजूद हैं। ये 5000 साल गुजरने के बावजूद ये जगह इंतहाई अच्छी हालत में मौजूद है। इसका इतना अच्छा मेंटेनेंस नहीं हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको अच्छी तरह मेंटेन किया जाता है तो ये मेरे नज़र पर 5000 साल भी चली जाएगी। और वो सामने अगर जो देख रहे हैं, ये दुनिया का पहला पैरामिड है। जाकर आप देखें तो ये मुख्तलिफ सीढ़ियों में बना कर गए, 6 सीढ़ियाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीढ़ियों में। और ये बनाने का मकसद ये था कि यहाँ से जब बादशाह ऊपर होगा तो खुदा के नज़दीक हो जाएगा। उस ज़माने में बादशाह जो था वो खुदा के नज़दीक होने के लिए, शायद उसका खुदा उस ज़माने में सूरज था। तो ये आपको इस जगह को सकारा कहते हैं, सकारा कब्रिस्तान को भी कहते हैं, सकारा एक टॉम जहाँ पे कब्र है उसको कहा जाता है। तो इंशाल्लाह फिर आगे आपकी मुलाकात होगी।